जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बलिदान सिंह, बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाएं, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की या किसी जाति की भावनाएं आहत करना नहीं है। अगर मेरे वीडियो से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो कृपया वीडियो को नज़रअंदाज करें। मेरे वीडियो का सिर्फ उद्देश्य यही है कि अपने समाज को मैं जागरूक कर सकूं। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों पर। हिंदू धर्म के त्योहार क्या है और क्यों मनाते हैं, हिंदू धर्म के त्योहार का अर्थ क्या होता है बहुजन समाज के लिए। तो प्राप्त जानकारी बौद्धाचार्य डॉक्टर एस एन बौद्ध के लेख से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो त्योहार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्यो यानी कि तुम्हारी और हार यानी कि पराजय। तुम्हारी हार, हिंदू धर्म के सभी त्योहार शूद्रों अर्थात एससी एसटी ओबीसी के पूर्वजों की हत्या और ब्राह्मणवादियों द्वारा मनाया गया सिर्फ जश्न है और कुछ नहीं। कुछ प्रमुख त्योहारों और उनके कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होली पे चर्चा करते हैं क्योंकि होली तो आज ही है, ठीक है। होली महिलाओं पर अत्याचार का त्यौहार है। ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों ने श्रमण धर्म को मानने वाले वीर हिरण्यकश्यप की वीरांगना बहन होलिका के साथ बलात्कार किया और रात को उसको जिंदा जला दिया था और काल्पनिक कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह कर दिया, इसलिए होली मनाई जाती है, इसलिए होली का दहन किया जाता है। दिवाली, दिवाली प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महामोगलायन की हत्या करके ब्राह्मणों ने रामायण के काल्पनिक पात्र राम की कहानी बनाकर लोगों को गुमराह कर दिया और दिवाली का त्यौहार बना दिया। सच तो यह है कि दिवाली नहीं, ये बौद्धों का उत्सव है जिसे दीपदान उत्सव कहा जाता है। दीपदान उत्सव क्या होता है? सम्राट अशोक द्वारा शुरू किया हुआ उत्सव होता है दीपदान उत्सव। कार्तिक अमावस्या के दिन लगभग 17 साल बाद तथागत गौतम बुद्ध अपने घर वापिस गए थे, इसलिए सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव मनाया था। बौद्ध भिक्षु महामोगलायन की हत्या का शोक रखने के लिए सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव मनाया था और सम्राट अशोक ने उपयुक्त दोनों कारणों को यादगार बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध द्वारा 84,000 उपदेशों को यादगार बनाने के लिए 84,000 बौद्ध विहार धर्मशालाओं का स्तूपों का निर्माण करवाया। इसी कार्तिक अमावस्या के दिन सभी जगहों पर दीप जलाकर प्रकाशित किया गया था जिसे दीपदान उत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसी को इन लोगों ने चेंज करके होली का नाम रख दिया। अब चलिए बात करते हैं दशहरा। दशहरा दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा। दश का अर्थ है दस, आपको भी पता है, और हरा का अर्थ है पराजय या हार। दशहरा दस बौद्ध सम्राटों, सम्राट अशोक से लेकर ब्रह्मदत्त मौर्य तक के सभी सम्राटों की धोखे से हत्या को ही दशहरा कहा गया है। जो रावण के दस सिर होते हैं वो रावण के दस सिर नहीं है, वो सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के वंशज, उनके पूर्वजों के, उनकी पीढ़ियों के, जो महाराजा हुए हैं, बौद्ध सम्राट हुए हैं, उनके ये उनके वंशजों के ये सिर हैं जिनको आप जिनका आप दहन करते हैं। सच तो ये दशहरा नहीं, सम्राट अशोक की ये विजयदशमी है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के 10 दिन बाद बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया था और पूरे नगर को सजाया संवारा गया था और यह एक उत्सव के रूप में मनाया गया था जिसे अशोका विजयदशमी कहते हैं। एक बात और आप लोग सुन लीजिए, जो हमारे बहुजन समाज में हम लोग मनाते हैं अपने महापुरुषों के जयंतियां मनाते हैं या हमारे जो भी उत्साह होते हैं तो उसे हम त्यौहार नहीं कहते, उसे हम पर्व कहते हैं, पर्व कहते हैं, महापर्व कहते हैं। तो चलिए अगला त्यौहार जो है नवरात्रि मनाते हैं हिंदू धर्म के लोग। श्रमण सम्राट महिषासुर की वेश्या दुर्गा द्वारा धोखे से हत्या की गई, यही नवरात्रि का त्यौहार है। नव का अर्थ है नव और रात्रि का अर्थ है रात। कुछ कार्य ज्यादातर रात में ही होते हैं जिसमें ज्यादातर गलत कार्य होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्य होता है वेश्यावृत्ति का। नव, जैसे कि आप सब जानते हैं, विदेशी ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों को हमेशा से ही छल कपट से हराया है। श्रमण सम्राट महिषासुर से जब आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत पाए तो वेश्या दुर्गा का सहारा लिया। वेश्या दुर्गा ने नौ रातों तक अलग अलग साड़ी पहनकर हमारे जो महाराज थे महिषासुर को रिझाने की कोशिश की और उनको नवरात्रि तक शराब पिलाती रही और नौवे दिन वो उनको मारने में कामयाब हो गई और महिषासुर की हत्या कर दिया, ठीक है। और ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुमराह करने के लिए देवी देवताओं को काल्पनिक कहानी बनाई और अपनी कमाई का जरिया बना लिया जिसे नवरात्रि के नाम से आप लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन श्रमण सम्राट बलि के ब्राह्मण द्वारा ठगी करके राजपाट सब उनका लूट गया था, लूट लिया था जो हमारे सम्राट थे राजा बलि।
और बलि की हत्या करके जमीन में गाड़ दिया था उनको, राजा बलि को, जिसको रक्षाबंधन के नाम से हम लोग मनाते हैं। राजा बलि के हाथ में उन्होंने एक धागा बांधा था जिसको आप लोग कलावा के नाम से जानते हैं, और ये जो कलावा होता है ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी का प्रतीक होता है, और हाथ में बंधा हुआ धागा ये हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को नहीं बांधना चाहिए। चलिए बात करते हैं करवा चौथ पे। करवा चौथ सती प्रथा का ही दूसरा रूप है जिसमें महिलाओं को भूखा रखकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, इसी को करवा चौथ कहा जाता है। छठ पूजा। छठ एक अश्लील और अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का त्यौहार है। इसमें 24 घंटे भूखे रहकर खुद को दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर करके ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी करने की साजिश है। वास्तव में छठ पूजा की कहानी महाभारत के कुंती पर आधारित है, जिसमें कुमारी कुंती किसी सूरज नामक व्यक्ति के बच्चे की माँ बन जाती है। लोक लज्जा के कारण बच्चे को नदी में फेंक देती है और छठे दिन नदी में अपने बच्चों को याद करने के लिए नदी में वो जाती है छठे दिन, और सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को बचा लेना। और उस बच्चे को नदी के किनारे एक परिवार मिलता है और उसे अपने घर ले जाने वो परिवार उसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण करता है, उसे ही कर्ण के नाम से जानते हैं। तो यह है त्योहारों का असली महत्व, और यह है त्योहारों जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उनके पीछे की छुपी हुई असली सच्चाई। इसलिए इन त्योहारों को आप लोग मनाना बंद करिए, क्योंकि ये हमारे महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को अपमानित किया जाता है और त्यौहार के नाम से इसको मनाया जाता है।